कैच ऑफ द मैच छोड़ो, कैच ऑफ द डिकेड हो सकता है भाई ये। मतलब देखो क्या हुआ, भाई ने स्कूप खेलने की कोशिश करी, खुद के थोपड़े पे बॉल लगवाई एंड भाई आर पार निकल के कितना लो कैच भाई। वैसे आर पार निकलना जो भी है, पर हाँ भाई आर पार कैच गजब यार। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं प्रणव। तो भाई आज हम खेले जा रहे हैं अपनी T10 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच भाई, वो होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो देखते हैं भाई इंडिया न्यूजीलैंड को क्या हरा पाता है, क्या 2019 वर्ल्ड कप का बदला ले पाता है। तो भाई सीधा टॉस पे चलते हैं। दोनों के लाइनअप्स वही है जो दोनों ने भाई लास्ट मैचेस में खिलाए थे। न्यूजीलैंड का अपना लास्ट मैच वाला है एंड इंडिया का भी जो है वो नीदरलैंड के साथ आज मैच हुआ उसका वो वाला है। तो भाई देखते हैं भाई क्या होने वाला है, टॉस कौन जीता भाई। ओके तो न्यूजीलैंड टॉस जीता है एंड टॉस जीत के बॉलिंग भी चुनी है भाई। देखते हैं क्या हम भाई अच्छा टारगेट दे पाएंगे। वेल वानखेड़े में ही मैच जैसा रियल लाइफ में होने वाला है या फिर हो चुका है भाई, वीडियो बाद में डल रही है। पहली बॉल मैच की ट्रेंट बोल्ट के सामने रोहित एंड मिस करी। कोई बात नहीं भाई, पहली बॉल मिस करी है, दूसरी मिस ना होने देंगे रोहित भाई है वो। वेल बोला ही था मैंने, दूसरी मिस ना होने कर देंगे। दूसरी में स्ट्रेट ड्राइव, तीर शर्मा जाए इस स्ट्रेट ड्राइव चौके के लिए। ओके तो भाई चार रन मतलब एक चौका तो खा ही चुके हैं एंड वो चौका तो बस शुरुआत थी। उसके बाद छक्का बैक फुट पे सामने, पहली बॉल में बीट करा होगा लेकिन उसके बाद भाई बहुत अच्छी शुरुआत मिली है भारत को। तीन बॉल पे 10 रन एंड रोहित भाई को शॉर्ट पिच डाल रहा है, शर्म ही ना बची भाई। वेल बचा लिया ये तो इसने, बाकी डबल फिर भी आ जाएगा। रोहित भाई 4 में 12 बना रखे, फुल सेट है रोहित भाई। ऐसी शॉर्ट पिच बॉल डालनी नहीं है रोहित को, छक्का खाओगे सीधा यार। रोहित भाई को शॉर्ट पिच बॉल डालोगे तो पुल शॉट से कैसे बचोगे, सोचना चाहिए ना। ओके तो अब खेल रहा शुभमन गिल, उनके सामने टीम साउदी भाई पहली बॉल एंड शुभमन ने भी पहली मिस करी है। देखते हैं भाई दूसरी पे क्या करेंगे शुभमन। वेल वैसा ही सेम रोहित जैसा, पहली बॉल इन्होंने भी मिस करी पर दूसरी पे भाई बच गया, फेक कैच हो सकता था पर चौका मिला है। शुभमन भाई इतने ज्यादा तेज रन नहीं बना पा रहे भाई रोहित की स्पीड से तो बिल्कुल नहीं। वेल ट्राई करेंगे इस बॉल पे, चलो ये अच्छा कट है, ये बहुत अच्छा चौके के लिए कट है शुभमन से। पर पहले ओवर से तो बहुत कम बट स्टिल भाई अच्छे रन आए हैं इस ओवर से भी। ओ डैम भाई ये एज लगा लेकिन एज का सिंगल ले लेंगे। अगर हम 5 ओवर में 70 रन तक देख सकते हैं तो भाई बहुत ही शानदार काम हो जाएगा वो तो। वेल रोहित भाई जैसी बैटिंग कर रहे हैं ना वैसे देख भी सकते हैं भाई, बहुत अच्छा शॉट है सामने चौके के लिए। वेल गिल था ही, माय बैड गिल, रोहित दोनों ही भाई दोनों ही मूड में आज फोड़ने के, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। ओ डैम भाई चिप शॉट खेला, मिस टाइम हुई एंड यहाँ पे शुभमन कौन, हमें अग्रेसिव शुरुआत चाहिए थी वो दिलाई है बढ़िया इनिंग्स। वेल अब आए किंग कोहली पर अभी रोहित शर्मा खेल रहे हैं एंड रोहित शर्मा का भी एज ही है एंड सिंगल लेंगे उसे। पहले एज भी नहीं, बॉडी लगी तो 22 का सिंगल लिया हमने। वेल कोई बात नहीं, कोहली भाई अपनी पहली बॉल एंड वो भी मिस ही करेंगे भाई, हर कोई अपनी पहली बॉल मिस कर रहा है। चलो पहली मिस करिए, दूसरी पे क्या होगा कोहली भाई। वेल दूसरी पे मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा शॉट जाएगा भाई एंड छक्का जाता जाता रहा है बस ये। लॉकी फर्गसन क्या, रोहित शर्मा भाई क्या होने वाला इस बॉल में देखते हैं। वेल हिटमैन है भाई, हिटमैन ने हिट करी है बॉल चौके के लिए। T10 फॉर्मेट है भाई, इसमें हमारा एक ही काम है बस मारो और मारते जाओ, दैट्स इट भाई, इसमें और कुछ काम ही नहीं है। ODI फॉर्मेट अलग बात हो जाती है। ओ डैम भाई चिप शॉट खेल रहे थे एज अड़ा पर भाई एज का भी चौका ही मिलेगा। वेल इस ओवर की अच्छी शुरुआत हुई है भाई, 9 रन इस ओवर से ऑलरेडी आ चुके हैं एंड देखते हैं कितने आने वाले हैं। वेल ये बॉल भी चौका दे जाएगी, रोहित भाई अभी किसी से ना रुकने वाले हैं। रोहित शर्मा इज लिटरली ऑन फायर भाई, 11 गेंदों में 30 रन बना दिए हैं, और कितना तेज खेलोगे। एंड भाई रुकना है ही नहीं, एक और चौका आगे बढ़ के अब की बार भाई 147 की बॉल को आगे बढ़ के चौका मारा, रोहित भाई कुछ भी कर सकते हैं, बस बढ़िया है। एंड ये भी भाई गैप में ना हो पाएगा पर सिंगल इस पे भी आने वाला है, वो डबल ही आ जाएगा। होगी तो मिचेल सेंटनर अपना ओवर लेके, उनके सामने कौन, किंग कोहली, देखते हैं कैसी बैटिंग करेंगे। ओके वेल ये शॉट में खेलना नहीं चाहता था पर स्कूप है एंड चौका है अपने ही हित में, तो स्ट्रेट में थोड़ा सा गैप है उधर मारने को देखूंगा। ओके देखी है मारने को, ऊंची गई है पर कैच नहीं भाई, कैच नहीं एंड डबल ले लेंगे क्योंकि बीच में इन्होंने भागना ही रोक दिया भाई, ट्रिपल आ जाता नहीं तो। ओके तो अब वो गैप भी चला गया, अब कहाँ हमारे, चलो लेग साइड में मार देते हैं और तो कहीं मारेंगे। लेग साइड में मारिए, फील्डर को पार करेगी एंड इजी चौका। ओके तो मे बी एक चिप शॉट खेलने को देख सकते हैं, मे बी ट्राई करेंगे।
Well, ये चिप नहीं था, ये नॉर्मल शॉट था एट कोहली भाई का विकेट, चीप, बहुत चीप जाता हुआ। लॉन्ग 15 बनाए वही भाई, अग्रेसिव जो स्टार्ट मिला था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बैटिंग है अभी हमारे पास भाई, बैटिंग अच्छी खासी है, तो रुकने का कोई प्लान ही नहीं है भाई। चाहे हैट्रिक ले ले बॉलर, पर रुकूंगा नहीं, एंड ऐसे चौके छक्के मारते रहेंगे। ये चौका है, श्रेयस अय्यर अपनी पहली बॉल पे चौका मारा था, अब उनके सामने फर्ग्यूसन है भाई, दूसरी बॉल खेल रहे हैं, पिच पे क्या होगा, आगे बढ़ेंगे वो, देखते हैं क्या होगा उस पे। ओके, आगे बढ़े, यॉर्कर मिली, एंड क्या छक्का मारा है भाई ये, भाई साहब एक बार वो देख लो, तुम डिफिकल्टी देख लो, डिफिकल्टी में कोई लोचा वोचा नहीं भाई, बैटिंग अपनी रियलिस्टिक, एंड ये बाकी सब T20 वगैरह, मतलब पता नहीं भाई क्या सीन है, कैसे खेल रहे हो ये भाई। भाई अय्यर अभी केवल दो बॉल खेले हैं, लेकिन रोहित से ज्यादा सेट मुझे अय्यर दिख रहा है। 148 मीटर का छक्का था वो, फिर से यॉर्कर, लेकिन अब की बार यूटिलाइज ना कर पाया। ओके, सो विजल सेंटर वापस आए, 14 रन दिए थे, एक विकेट लिया था, एंड इसमें क्या होने वाला है। लेस ओवर की पहली बॉल पे अय्यर ने बैक फुट पे जाके चौका मारा है भाई। इंडिया के सारे ही बैट्समैन से आज जो है इंटेंट देखने को मिला भाई, कोई भी अपना टाइम तो लिया ही नहीं, सब सीधा मारने को गए। ये चिप शॉट है सीधा छक्के के लिए, अय्यर व्हाट द हेल, अय्यर भाई ने लास्ट बॉल पे मेहनत सी भी ना करी भाई, चिप कर दिया बस बॉल को हल्के हाथों से, छक्का भी चला गया। अय्यर भाई अलग ही, वेल ये भी चिपी करा है बिल्कुल हल्के हाथों से, ये भी चौका चला जाएगा, अय्यर क्या फॉर्म में है। ओके, तो रोहित भाई लास्ट बॉल खेल रहे हैं ओवर की, क्या खेलने को देखा जाए, बस स्ट्रेट ही खेल दिया मैन, तो ये चौका नहीं जा पाएगा। डबल की कोशिश करी है भाई, रनआउट ना हो जाए, तो हो गया डबल, बहुत बढ़िया। ओके, तो टिम साउदी आया, पहले ओवर से 10 रन दिए थे, दूसरे ओवर में देखते हैं क्या कमाल मचाने वाले हैं। वेल पहली बॉल यॉर्कर, कैसे कमाल मचाओगे भाई, अय्यर ने फ्लैट सिक्स मारा है भाई, अय्यर आज किसी से ना रुकने वाला भाई, 9 बॉल में 31, क्या कर रहे हो अय्यर भाई। ओके, एक और यॉर्कर, ये इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, ए जड़ा पर उसका भी चौका भाई। अय्यर के अगर आज बैट से बॉल अट रही है तो वो बाउंड्री जाए बिना रह ही नहीं सकती भाई, 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा बंदा। एक और यॉर्कर, अब की बार चिप शॉट, वो गया है छक्के के लिए भाई, मुझे खुद को देख के लग रहा है ये इजी डिफिकल्टी है, पर नहीं भाई, वही अपनी रियलिस्टिक है, क्या चल रहा है ये, मतलब लिटरली ऐसा फील दे रहा है जैसे अय्यर भाई इजी डिफिकल्टी लगा खेल रहे हैं। रोहित भाई से 7 बॉल कम खेली है, 3 रन ज्यादा बनाया भाई, एंड रोहित तो खुद बहुत तेज खेल रहा है भाई, ये बच गया अय्यर भाई, थोड़ा प्लेसमेंट गलत एंड ऑलमोस्ट कैच होते होते रह गए भाई। लिटरली यार आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा बुरा धोया है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड भी याद रखेगी ये मैच। एक और यॉर्कर यार, क्या कर रहे हो न्यूजीलैंड, क्या कर रहे हो टिम साउदी, एक और चौका, एंड इसी के साथ 50 पार्टनरशिप भाई। मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये कितनी बॉल में आई है, ये 50 पार्टनरशिप आई है मात्र 18 बॉल में भाई, क्या सीन है ये। ओके, तो रचिन रविंद्र आए, उन्हें खेल रहे रोहित शर्मा, 42 बना रखे हैं, देखते क्या 50 होने वाली है। वेल अरे ओ आउट नहीं है ये, मुझे लगा कैच आउट हो गया, वेल बच गए, बढ़िया है, चल कोई ना भाई। रोहित ने स्ट्राइक दिया अय्यर को, अय्यर क्या भाई, अय्यर क्या करेंगे देखते हैं। ओ डैम भाई, अय्यर ने रिवर्स स्वीप खेला पर लेट टाइमिंग हुई, अय्यर का रिवर्स स्वीप टाइम ना हो पाया, तो अय्यर भाई नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉट्स खेलेंगे, स्ट्रेट बैटेड खेलेंगे, देखते हैं कैसा खेलने वाले हैं। वेल बैक फुट पे खेला है, कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ऊंची गई भाई, मैं खुद कितनी बार देख चुका हूँ डिफिकल्टी, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा भाई, रियलिस्टिक ही है। तो रोहित भाई खेलेंगे, 2 बॉल बची है, क्या भाई इस ओवर में 50 होने वाली है उनके, वेल देखते हैं। वेल ये बॉल स्ट्रेट है क्या, सिक्स है ये, वेल क्यों नहीं है, है भाई। रोहित और अय्यर की क्या पार्टनरशिप चल रही है भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी पार्टनरशिप चल रही है, मजे आ गए। ओ डैम यार, चिप शॉट देखा, एंड ट्रिपल आइडियल भाई, ट्रिपल आइडियल था शॉट, शॉट चॉइस, शॉट टाइमिंग, सब कुछ बिल्कुल जो बढ़िया हो सकती थी, पर स्टिल रचिन रविंद्र के हाथ में कैच किया सीधा, कॉट एंड बॉल। ओके, तो राहुल आए पर अब ये लास्ट ओवर, एंड स्ट्राइक पे श्रेयस अय्यर, मैं तो बोलता हूँ राहुल को स्ट्राइक दो ही मत भाई, श्रेयस भाई पूरा मारने जाओ इस ओवर में। वेल पहली बॉल पे चौका जरूर मिलने वाला है, एंड इस चौके के साथ हाफ सेंचुरी श्रेयस अय्यर की, 331 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 5 छक्के, श्रेयस भाई ने बाउंड्रीज के अलावा केवल 3 रन लिए हैं भाई, क्या बैटिंग है श्रेयस, क्या बैटिंग है। ओके, ये एज है, एंड चलो राहुल संभाल लेंगे आगे का, चलो राहुल भाई इनसे पहली बॉल में ना फाइन लेग पे खेलने को देखने वाला हूँ, बस बढ़िया खेलना राहुल भाई। अरे यार ऐ जड़ा है, चलो कोई ना अय्यर संभालेंगे फिर से। डैरिल मिचेल ठीक ठाक ओवर डाल लिया भाई, नहीं तो सब 18-20 ऐसे रन खा रहे थे, ये 3 बॉल में 6 ही खाया, बल देखते हैं कब तक। ओके, ये क्या था, ये कैच कैसे नहीं था भाई, बट कुछ भी कहो बॉलिंग तगड़ी हो रही है, इस पे भी सिंगल लिया है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग भाई, केवल 8 रन आए ओवर से। अय्यर भाई मारने को जाओ यार, कम ऑन यार, क्या कर रहे हो।
ओ गलत शॉट खेला, पर चलो वाइड का चौका मिला है, बहुत बढ़िया। ओ वाइड का नहीं, बाइस का चौका है यार। तो जसप्रीत बुमराह डालेंगे पहली बॉल कॉनवे को भाई, 60 में 146 बनाना है, आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पर न्यूजीलैंड के बैटर्स भी भाई कम नहीं है किसी से, देखते हैं। पहली बॉल बुमराह वर्सेस कॉनवे, पहली बॉल पे काइंड ऑफ डिफेंसिव शॉट, सिंगल भी नहीं आया भाई। ऐसे अगर तुम लोग खेलने वाले हो तो तुम्हारे जीतने के लिटरली 0% चांस है, तो पहली बॉल से चौके छक्के के लिए जाओ यार, कम ऑन, क्या कर रहे हो। हाँ ऐसे ही भाई, हालांकि चौका नहीं लगा होगा, बट भाई इंटेंट तो ऐसा ही होना चाहिए ना, सिंगल आया। ओके तो अब सामने रचिन रविंद्र भाई, जसप्रीत बुमराह वर्सेस रविंद्र, क्या होने वाला है इस पे। दो बॉल में एक रन आया, 58 में 145 की जरूरत, क्या बाउंड्री के लिए जाएंगे। वेल ना भाई, एलिगेंस के लिए गया एंड फिर भी डॉटी है भाई, एटलीस्ट 15 रन के लिए तो देखो हर ओवर से, क्या कर रहे हो तुम भाई। न्यूजीलैंड की बैटिंग पे लिटरली मुझे हंसी आ रही है, क्या चल रहा है ये। ओके फाइनली थोड़ा इंटेंट दिखा, फायदा भी मिला भाई एच का चौका, क्योंकि तो लास्ट बॉल है, मैं कहूंगा एक अच्छे ओवर की, क्योंकि भाई जब टारगेट इतना बड़ा है, 5 बॉल में 6 रन दिए, तो भाई वो बहुत अच्छा ओवर है, लिटरली बहुत बढ़िया ओवर डाला बुमराह ने। एंड ये बल कैच ना चौका हो जाएगा, बट स्टिल फिर भी भाई 10 रन आए केवल, अच्छा ओवर है। ओके तो अब आए मोहम्मद सिराज, क्या मियां मैजिक देखने को दिखने वाला है, बस देखते हैं भाई पहली बॉल। वेल मैजिक तो यहाँ पे रविंद्र ने दिखाया चौके के साथ, बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है भाई इंडियन बॉलर से, बहुत ही कम रन खा रहे हैं। वेल अब तक तो खा ही रहते हैं, चौका है मतलब। वेल रविंद्र भाई उससे कॉनवे से तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, कॉनवे का स्ट्राइक रेट कम है। ओके यहाँ पे इसने भी डिफेंसिव शॉट ही खेल दिया, चलो भाई अब तक सारी आउट स्विंगर डाली है, ये एक अचानक से लेग कट डाल देता हूँ, देखते हैं पड़ पाएगा क्या। वेल पड़ा है, चौका जड़ा है, फिर भी 12 रन से मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप आ गए मोहम्मद शमी भाई, 11 की रन रेट चल रही है, रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है। वेल पहली बॉल पे शमी भाई को चौका मारा है, कोई बात नहीं भाई, लाइन एंड लेंथ पे भरोसा रखो, विकेट जरूर मिलेगा, मैं तो यही मानता हूँ। दे भाई लिटरली अभी तो बोली थी मैंने ये चीज भाई, लिटरली जो बोला वो करा एंड विकेट दिलाया शमी ने, इजी विकेट फॉर मोहम्मद शमी भाई, सेम लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करते गया, अच्छी लाइन एंड लेंथ थी एंड भाई विकेट मिला। चलो भाई शमी का अच्छा ओवर ज्यादा हुआ, 3 गेंदों में मात्र 5 रन, एक विकेट भी लिया है। वेल उसके बाद भी भाई रविंद्र ने मारने की अच्छी कोशिश करी, पर भाई टाइमिंग ना हुई एंड सिंगल मिलेगा भाई। ये सेमीफाइनल लिटरली पूरा इंडिया के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है मुझे, तो रियल लाइफ में पता नहीं क्या हुआ भाई, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ऑलरेडी हो चुका है वो सेमीफाइनल भाई, मैं होप करूंगा कि इंडिया ही जीती हो। मैं ये सोच रहा हूँ भाई फील्ड खोलने की जरूरत नहीं लग रही मुझे कुछ, क्योंकि भाई इस फील्ड से ही बहुत बढ़िया काम चल रहा है अपना, तो फील्ड क्यों ही खोले। वेल ये बोलते ही चौका मारना जरूरी है, ओके तो फील्ड खोल लिया, इस फील्ड में सिंगल डबल निकालना बहुत आसान है, पर मुझे लगता नहीं उनसे इसका काम चल, उससे इनका काम चलने वाला है भाई। वेल या ऐसे छक्के ही मारने पड़ेंगे जैसा विलियमसन ने मारा है। ओके तो अब आए जड्डू, एक विकेट तो शमी ले गए, क्या दूसरा जड्डू को मिलने वाला है। वल्ला भाई जड्डू पहली बॉल पे छक्का खाने वाला है। चलो फील्ड में फिर से थोड़ा सा बदलाव भाई, अब की बार स्लिप हटा दिया मैंने एंड ये कैच है क्या, ना भाई ये सिक्स है। ओके भाई अब थोड़ा उतना वन साइडेड नहीं लग रहा है, क्योंकि दो बॉल पे दो छक्के पड़ चुके हैं। वेल तीन बॉल पे तीन है क्या, ना ये विकेट है, जड्डू ने दो बॉल पे दो छक्के खाए होंगे, पर केन विलियमसन का विकेट भी निकाला, बहुत अच्छे जड्डू भाई। चलो भाई रविंद्र टू रविंद्र दूसरा डालने वाला हूँ एंड दूसरा पे चौका मारा भाई रविंद्र ने, तो रविंद्र को चौका मार दिया, अब क्या रविंद्र रविंद्र का विकेट लेगा। वेल ना भाई रविंद्र ने रविंद्र को डॉट डाल दिया, ये तो एक ऑफ ब्रेक एफर्ट बॉल डालने वाला हूँ एंड उस पे भाई रविंद्र ने रविंद्र का विकेट लिया, इजी चड्डू भाई का कमाल का ओवर। वेल शुरू की दो बॉल भी दो छक्के खा लिए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक हो तो ऐसा दो विकेट ही की ओवर में। वेल कुलदीप भाई आपका क्या विचार है, आप भी विकेट वगैरह कुछ लोगे, पता नहीं। वेल भाई इन्हें मारने को जाना तो चाहिए, क्योंकि 29 बॉल में 88 बिना मारे तो बनने वाले हैं नहीं। देखो ओके स्कूप मारा है, इजी चौका मिलेगा। कुलदीप भाई थोड़ा तो जलवा दिखाओ अपना भाई, ऐसे चौके छक्के ही खाते रहोगे, यही काम है क्या, विकेट कौन लेगा। ओके ले लिया, विकेट भी ले लिया। ओके मुझे लग रहा था ये राहुल पकड़ेगा नहीं, पर पकड़ लिया, अच्छा भाई बढ़िया विकेट। ताज के पत्तों की तरह बिखर गई है भाई ये न्यूजीलैंड की टीम। वेल ग्लेन फिलिप्स क्या इसे वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, पहली बॉल पे चौका तो मारा है भाई ने। वेल कितनी ही हिटिंग कर लो भाई, ग्लेन फिलिप्स भाई यहाँ से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेल फिर भी आपका नाम ग्लेन है तो मैं चांस नहीं लेने वाला हूँ। नॉर्मल मैच के हिसाब से देखो 5.5 ओवर में 66 रन, दिस इज नॉट बैड एट ऑल भाई, अच्छा है ये, पर अभी टारगेट बहुत ज्यादा है। वेल ये एज का सिंगल लेंगे। चलो जड्डू भाई वापस, 16 रन दिए थे, थोड़ा महंगा पर दो विकेट यार बहुत बढ़िया। जड्डू भाई को पहली बॉल पे छक्का खाए बिना चैन ना आएगा, जड्डू भाई पहली बॉल पे छक्का खाए बिना रहते ही नहीं है। वेल दूसरी बॉल पे क्या, वेल दूसरी बॉल पे ओ
व्हाट अ कैच राहुल, व्हाट अ कैच भाई। ये बॉलर से ज्यादा विकेट कीपर का विकेट है, क्या कैच पकड़ा ये राहुल ने, आर पार निकल के। वेल जो भी है, कैच ऑफ द मैच छोड़ो, कैच ऑफ द डिकेड हो सकता है भाई ये। मतलब देखो क्या हुआ, भाई ने स्कूप खेलने की कोशिश करी, खुद के थोपड़े पे बॉल लगवाई एंड भाई आर पार निकल के कितना लो कैच भाई। वैसे आर पार निकलना भाई जो भी है, पर हाँ भाई आर पार कैच गजब यार। जड्डू भाई का 3 विकेट हॉल हो चुका है। जड्डू भाई की ओपी बॉलिंग यार, ओपी बॉलिंग, ओके डैम इट भाई। अगर पिछली बॉल जैसी कीपिंग कर देते तो यहाँ पे 4th विकेट भी था भाई। जड्डू भाई पहली बॉल पे छक्का खाते होंगे, पर उसके बाद यार कमबैक गजब का होता है। देखो ये भी कैच हो सकता है शायद से, बल ना ये 6 है। कोई ना, पिछले ओवर में भी 2 छक्के खाए थे, 2 छक्के इस ओवर में भी खा लिए, लेकिन चौका भी खा लिया है यहाँ पे। ओके तो मोहम्मद शमी अपना स्पेल कंटिन्यू करने हैं भाई, उनसे पहली बॉल यॉर्कर डालूंगा एंड उस यॉर्कर को अच्छा खेला है लेथम ने, चौका मिल जाएगा। चलो भाई एक स्लोअर बॉल डालने वाला हूँ, क्या पता भाई कैच आउट हो जाए। ओ कैच आउट छोड़ो, पूरा बीट हुआ है। चलो भाई लास्ट स्लोअर पे बीट हुआ, तो अब अचानक से फास्ट भी डाल देता हूँ, क्या पता बोल्ट ही हो जाए। ओके बोल्ड तो नहीं, पर विकेट शमी को मिल गया भाई, यह जड़ा है लेथम का भाई। लिटरली अगर इंडिया ये सेमीफाइनल रियल लाइफ में हार गया ना, तो बहुत ही वियर्ड वीडियो होने वाली है, ये सच बता रहा हूँ मैं। जो भी है भाई, हमारा T10 वर्ल्ड कप रियल लाइफ से अलग चल रहा है, एंड ये फील्डिंग भी रियल लाइफ से अलग ही चल रही है, इतनी बकवास फील्डिंग पर डबल आ जाएगा। एक तो मुझे शमी भाई से ना यॉर्कर पे बोल्ड करके विकेट लेना, मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना यार। यॉर्कर ये लोग अच्छी खेलना जान गए पता नहीं कैसे, तो मेरा चौका नहीं आएगा इस पे। अबे क्या फील्डिंग कर रहे हो, रोक ही ना पाया, आ गया। ओके तो सिराज वापस है अपना स्पेल कंटिन्यू करने, उम्मीद यही रहेगी कि भाई विकेट एक और, आई मीन एक और क्या, पहला मिले इनको तो। पर पहला विकेट छोड़ो, पहली बॉल पे चौका आया इधर। इनकी टीम में ना कमी ये रह गई कि श्रेयस अय्यर जैसे इनिंग्स किसी ने ना खेली, सबसे बड़ी कमी। वेल ये भी छक्का ही है भाई, बढ़िया बैटिंग चल रही है। वेल 10 में 41 चाहिए तो बन तो सकते हैं, एंड ऐसी बैटिंग के साथ जरूर बन सकता है, बट बनेंगे नहीं मुझे पता है। वेल चौका फिर भी है। अबे बिना मतलब का हमारा जीता जीता है मैच भाई, वन साइडेड जो मैच था उसे इंटेंस करने में क्या मजा आ रहा है सिराज भाई। अभी एक और चौका, क्या कर रहे हो सिराज। 18 रन आ चुके हैं मात्र 4 गेंदों से, अभी तो 2 बॉल और बची है, क्या होने वाला है। वेल उनमें से एक पे तो चौका होने वाला है। सिराज तो लिटरली धुल गया पूरा भाई, क्या क्या बॉलिंग है ये। वेल इस पे भी छक्का या कैच चाहिए भाई, सिराज लिटरली कितने। चल भाई सिराज का थोड़ा महंगा ओवर, पर सैंटनर खेल रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिलिप्स पूरा सेट है। वेल बुमराह भाई ओवर डालने आए, लास्ट ओवर है ये, क्या जीतोगे ना भाई, पहली बॉल ही डॉट। ओके 4 बॉल में 21 रन, मुझे कोई चांस ना लगता बनने का। वेल देखते हैं क्या बुमराह भाई ये करिश्मा करवा देंगे, वेल ना ही करवाए तो अच्छा है। सैंटनर सामने सैंटनर भाई 21 रन जो है 3 ओवर में नहीं 3 बॉल में बनाने हैं, अब तो बना भी नहीं सकते हो, क्या किया सैंटनर, बहुत बेकार बैटिंग भाई। फिलिप्स की पूरी मेहनत पे थूक गए सैंटनर भाई। शायद फिलिप्स ने ना श्रेयस अय्यर से भी ज्यादा अच्छी बैटिंग करी है, बट अकेले पड़ गए फिलिप्स भाई, कोई बात नहीं। देखा भाई एक और छक्का मार दिया भाई ने, अय्यर से बहुत पहले 50 करी है मात्र 13 बॉल में, 4 छक्के एंड 6 चौके भाई। मानना पड़ेगा यार ग्लेन फिलिप्स भले ही मैच जिता ना पाए, पर क्या ही बहुत तगड़ी पारी के लिए फिलिप्स ने, मात्र 13 गेंदों में 50। एंड लास्ट बॉल पे भी हार ना मानी भाई, लास्ट बॉल पे जाते जाते भी छक्का ही मार के गया। बस भाई ये सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं, रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच है क्योंकि उन्होंने लिए 3 विकेट। मेरे प्लेयर ऑफ द मैच तो श्रेयस अय्यर भाई, क्या गजब की इनिंग्स खेली थी। हालांकि उनसे भी बेहतर इनिंग्स खेली ग्लेन फिलिप्स ने, क्योंकि 5 बॉल कम खेल के 1 रन ज्यादा बनाया, ग्लेन फिलिप्स का माल है। तो मैच हम जीत गए, सीधा आपको फाइनल एपिसोड में मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय। Somehow I was gonna feel